पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी, आईएस के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। 17 लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के राजनयिक पहुंचे श्रीनगर, सिविल सोसाइटी के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे विदेशी राजनयिक, अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद ऐसा पहला आधिकारिक दौरा। विदेशी राजनयिकों के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, सरकार प्रायोजित दौरे से सच्चाई छिपाने की कोशिश। सियाचिन के बेस कैंप पहुंचे सेनाध्यक्ष जनरल मुकुल मुकुंद नरवणे, वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। जेएनयू हिंसा के विरोध में आज दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों का हल्ला बोल, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च। मार्च में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कई दूसरे स्थानों से भी जुटे छात्र, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन। जेएनयू के वीसी को हटाने की मांग, प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सिविल सोसाइटी के लोग भी प्रदर्शन में शामिल, प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तैनाती। जेएनयू छात्र संघ का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मानव संसाधन मंत्रालय, आयशी साकेत और सतीश मौजूद। करीब 12 बजे जेएनयू कैंपस से बाहर आया छात्रों का हुजूम, गेट पर थी पुलिस की तैनाती। जेएनयू में करीब 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, प्रदर्शनकारी छात्र पैदल करना चाहते थे मार्च, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर बसों में भरकर गए। जेएनयू में बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी कैंपस में हुई हिंसा की करेगी जांच। जेएनयू छात्र संघ ने पुलिस को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट किए जारी, आयशी घोष के मैसेज के एसएचओ ने पढ़ा लेकिन नहीं दिया जवाब। जेएनयू हिंसा के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा एचआरडी मंत्री और गृहमंत्री शामिल। केजरीवाल ने कहा दिल्ली पुलिस को ऊपर से था आदेश कि नहीं रोकनी है हिंसा। उसको ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश आता है कि वहां पे हिंसा हो रही है उसको रोको, तो दिल्ली पुलिस जान की बाजी लगा के उसको रोकती है। उनको आदेश आता है हिंसा होने दो, होने के बाद उनको निकल जाने दो, और जब निकल जाए फिर तुम अंदर जाना, तो बेचारा वही करता। अलीगढ़ के छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, जेएनयू के छात्रों के साथ दिखाई एकजुटता। जेएनयू के छात्रों के समर्थन में आगे आए मैसूर यूनिवर्सिटी के छात्र, आजादी के गूंजे नारे। एनआरसी और सीएए के खिलाफ महाराष्ट्र में एकजुट हुआ विपक्ष, देश भर में गांधी यात्रा निकालेंगे विपक्षी नेता। गांधी यात्रा में एनसीपी चीफ शरद पवार, बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, यशवंत सिन्हा जैसे नेता शामिल। सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी की आज 10वीं रैली, मध्यम ग्राम में प्रदर्शन की अगुवाई। ममता बनर्जी ने कहा हमले में शरणार्थियों की कॉलोनीज को किया गया नियमित, बंगाल में लागू नहीं होगा सीएए और एनआरसी। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू जागरण मंच का विरोध, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की रिलीज पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार, वकील अर्पणा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश। कौशल विकास मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दीपिका अब स्किल इंडिया के विज्ञापन में नहीं होंगी, मंत्रालय की सफाई, वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने किया ऐलान, छपाक फिल्म होगी टैक्स फ्री। अलीगढ़ में हिंदू सेना ने दीपिका की फिल्म का किया बहिष्कार, धमकी दी जो फिल्म देखने जाएगा वो अपना बीमा खुद करा ले। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा दीपिका ने एबीवीपी के घायल छात्रों से क्यों नहीं की मुलाकात। पटना में पकड़ा गया दाऊद का सहयोगी एजाज लकड़वाला, 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में। दाऊद का करीबी माना जाता है एजाज लकड़वाला नेपाल में संभालता था कामकाज। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने लकड़वाला की बेटी सोनिया को किया था गिरफ्तार, जबरन वसूली का आरोप। निर्भया के गुनहगारों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पिटीशन, 22 जनवरी को दोषियों को होनी है फांसी। निर्भया गैंग रेप के दोषियों के अंगदान करने की अपील को लेकर एक संस्था पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट। शिमला में तापमान ने लगाई डुबकी, बालदेन इलाके में जम गया तालाब। शिमला की तरफ जाने वाली सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए लाई गई मशीन। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, गिरा तापमान। हिमाचल के नारकंडा में भी जबरदस्त बर्फबारी, पूरे इलाके में छाई बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार गिर रहा है पारा, पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड। रुद्रप्रयाग में आफत की बर्फबारी, 20 से अधिक गांवों का संपर्क देश दुनिया से कटा। चोपता बद्रीनाथ समेत केदारनाथ टिहरी मोटरमार्ग बंद, बिजली पानी की सप्लाई पर असर। गुजरात के कच्छ में चल रहे रण उत्सव में आग, 4 टेंट जलकर खाक। यूपी के महोबा में अवैध कब्जे पर चला वन विभाग का बुलडोजर, आधा दर्जन मकान गिराए गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कोर्ट में भगवान की पेशी, मूर्तियों की हो गई थी चोरी, बरामदगी के बाद सत्यापन।
राजस्थान के चुरू में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बस की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत। बिहार की वैशाली में पेट्रोल पंप लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में महिला ने तहसील में बांध दी भैंस, राजस्व अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। एमपी के अशोकनगर में छेड़छाड़ के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के मनेर में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की शराब को किया आग के हवाले। नोएडा में ईएसआई अस्पताल में आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर। सूरत में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, लपटों की चपेट में आई कई गाड़ियां। एक स्कूल बस में भी लगी थी आग, सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग, एक शख्स की मौत। फैक्ट्री में चल रहा था प्रिंटिंग का काम, 32 गाड़ियां राहत कार्य में जुटी। रामपुर में आजम खान की पेशी के लिए शहर में मुनादी, 24 जनवरी की है तारीख। देवरिया में पुलिस का बेरहम चेहरा, मोबाइल फोन चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा, साथ ही अदालत ने 50,000 का जुर्माना लगाया। दिल्ली के विकासपुरी में गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 20,000 का इनामी बदमाश जख्मी। मुंबई के भिवंडी में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने गए शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के वाशिम में एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे को मार डाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जौनपुर में यूपीटीईटी की परीक्षा में दूसरे उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा दे रहे 9 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में जहरीला पदार्थ खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। हाजीपुर में गैंग रेप में 2 आरोपी गिरफ्तार, वारदात कर 4 महीने से फरार थे। प्रयागराज में एक वकील की लाश संदिग्ध हालत में उनके घर में मिली। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स पर सगे भाई की हत्या का आरोप, दोनों में चल रहा था जमीन का विवाद। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल लुटेरों के गिरोह का खुलासा, 5 आरोपियों से 39 फोन और 1 बाइक भी बरामद। पानीपत में 5 लाख की फिरौती के लिए बदमाशों ने बच्चे को अगवा कर मार डाला, आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव को लेने से परिजनों ने किया इनकार। मनाली में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, पर्यटकों की बड़ी मुसीबत, कई जगह पर फंसी गाड़ियां। बर्फबारी की वजह से कुल्लू मनाली NH3 बंद, टैक्सी चालकों के मनमाने से पर्यटकों में नाराजगी। चंबा के डलहौजी में बर्फ की मोटी चादर से ढका इलाका, पर्यटकों की परेशानी बढ़ी। शिमला में भी जबरदस्त बर्फबारी, कई जगह पर लंबा ट्रैफिक जाम रहा। 2 दिन में शिमला में सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी, 20 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ। कुल्लू में दिखा अद्भुत नजारा, लगातार बर्फबारी से पेड़ पौधे हुए सफेद। सोलन में चारों तरफ दिखी बर्फ, तापमान में गिरावट। मसूरी में भी सैलानियों की मस्ती, बर्फबारी का लुत्फ उठाया। धनौल्टी में बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फंसी, सफेद चादर में निपटे पहाड़। बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, 3 दिन से गहराया संकट। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में भी जबरदस्त बर्फबारी, कई रास्ते हुए बंद। टिहरी के ऊपरी हिस्सों में भारी हिमपात, केदारनाथ मार्ग के मुंडा खाल बंद। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट। चीन के हुबेई प्रांत में कुदरत का जादू, भारी हिमपात में पेड़ पौधे सड़कें सब बर्फ से ढके। दक्षिणी और मध्य पेरू में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, नदियों में उफान। गाजियाबाद में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और पुलिस वाले में मारपीट। जयपुर में किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए खुद को मिट्टी में गाड़ा। नोएडा में दिल्ली जा रही एक महिला पत्रकार से DTC बस में बदसलूकी। बाराबंकी में रेप पीड़ित LLB छात्रा ने की खुदकुशी। गया में 60 पेटी विदेशी शराब जब्त, शराब माफिया हुआ फरार।